देखो आगे सुनिए, ये क्या है हमारा फ्लैग, इंडियन फ्लैग। क्या बोलते हैं इसको? ट्राई कलर, तिरंगा हिंदी में। ट्राई कलर से पता चल रहा है इसमें तीन कलर है। सबसे ऊपर कौन सा होता है? पिंक, ऑरेंज। बीच में कौन सा होता है? व्हाइट होता है। सबसे नीचे कौन सा होता है? ग्रीन होता है, ठीक है। तो ये तीन कलर होते हैं हमारे इंडियन फ्लैग में। और आपको पता है कि इस फ्लैग की जो रेस होती है वो क्या? फ्लैग की लेंथ और ब्रेथ में रेस, क्योंकि रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल में जो दो चीजें होगी, एक तो लेंथ होगी और एक जो इसकी क्या होगी? ब्रेथ होगी। तो इसकी रेशियो जो कितनी है? 3:2। अब देखो क्या होता है। क्या 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर वाला फ्लैग चलेगा? क्या 3 मीटर और 2 मीटर वाला फ्लैग चलेगा? नो। आप बड़ा फ्लैग भी ले सकते हो, छोटा भी बना सकते हो, जो मर्जी बना दो, लेकिन रेस होनी चाहिए उसकी 3:2। नहीं तो आप जो फिर हमारे ट्राई कलर की बेइज्जती कर रहे हो, ठीक है। देखो क्या मतलब इसका, आपको पता है रेशियो में हम लोग जो इसको ऐसे लिखते हैं 3/2। थ्री जो लेंथ है और 2 जो ब्रेथ है। अब देखो इसके जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ना, उसमें जो आपको कोई भी लेंथ और ब्रेथ उठा करके अपना फ्लैग तैयार कर सकते हो। जब आप घर में जो मान लो फ्लैग बनाने लगे तो आपको ध्यान रखना है 3:2 का, ठीक है। जैसे 3 मीटर 2 मीटर तो ले लो, 3 मीटर और 2 मीटर का, 3 मीटर जो लेंथ ले लो, 2 मीटर ब्रेथ ले लो, ठीक है। तो वो जो आपका फ्लैग बन जाएगा वो रेक्टेंगल बन जाएगा, और रेक्टेंगल को कलर होना चाहिए फिर 1/3 में बांट दो उसको, और 1/3 में से एक जो वो ऑरेंज हो, एक जो वो व्हाइट हो, और एक जो वो ग्रीन हो, ठीक है, तो बन जाएगा। अब देखो अगर 3/2 को मैंने बहुत बड़ा फ्लैग बनाना है, किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक हो, किसी मल्टीप्लाई कर 5 से करो, तो इसको 5 से करो, तो 3×5=15, और नीचे क्या आ जाएगा? 10। मीटर में लेना है तो इतना बड़ा बनाओ, बहुत बड़ा जाएगा 15 मीटर 10 मीटर, 15 मीटर लेंथ होनी चाहिए और 10 मीटर जब उसकी ब्रेथ होनी चाहिए, तो इतना बड़ा बना लो। लेकिन चलेगी यही रेशो, और सिंपलेस्ट फॉर्म में इसने बोला कि 3:2 में ही आपका फ्लैग जो होना चाहिए, उसकी लेंथ और ब्रेथ 3:2 में ही होनी चाहिए। अब एक बार इसको समझो कि ये जो क्या है, ऑरेंज कलर जो पूरे कलर में से कितना है? 1/3। बीच में कितनी है लाइनिंग? और जो व्हाइट है वो भी क्या होता है? 1/3 होता है, ठीक है। बीच में भी है, बीच में ये जरूर है, लेकिन थोड़ा सा कम होगा 1/3 में से व्हाइट कलर, क्योंकि बीच में भी घुस गया है। और इसका कलर कौन सा होता है बताया? ब्लू होता है, ठीक है। तो बीच में कलर भी है, इसलिए लिटिल लेस देन 1/3 होता है व्हाइट कलर, ठीक है। बाकी ये 1/3 ही रहता है पूरे कलर का, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए रेशियो क्या होती है, और ट्राई कलर के बारे में आपको पता होना चाहिए।